बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री के लिए साल 2020 एक बड़े काल जैसा ही है। मनहूस साल है ये, इसमें कोई शक नहीं कि इस साल ना सिर्फ पूरी दुनिया भर में पेंडेमिक की वजह से बहुत ही बुरा असर हुआ हर किसी की जिंदगी पर, बल्कि कई बड़े दिग्गजों को भी बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री ने खोया। अब एक और दुख भरी खबर आई है टीवी इंडस्ट्री से। हम बात कर रहे हैं कलर्स चैनल के मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स में से एक ससुराल सिमर का, में अहम भूमिका अदा कर चुके एक्टर आशीष रॉय के बारे में। ये आप जानते ही हैं, पिछले पैंडेमिक की सिचुएशन के दौरान लॉकडाउन में आशीष रॉय ने लोगों से मदद मांगी थी, कलाकारों से गुहार लगाई थी मदद की, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। आईसीयू में थे वो काफ़ी समय से, उन्हें कैंसर जैसी बीमारी ने अपनी चपेट में लिया। वैसे तो कैंसर से साल हमने वेटरन एक्टर ऋषि कपूर और इरफान खान को खोया है। कैंसर की वजह से न सिर्फ इरफान और ऋषि का निधन हुआ, बल्कि यहां तक कि आपको बता दें संजय दत्त को भी इस बीमारी की वजह से बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ी। अब इन सब के बीच खबर ये आई है कि आशीष रॉय के निधन से टीवी सितारे बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल समय से गुजर रहे थे आशीष रॉय, और आज हमारे बीच अब वो नहीं है। कैंसर से एक लंबे टाइम तक जूझने के बाद, आर्थिक तंगी में भी इस बीमारी से लड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली। गौर करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उन्होंने अपना दुख जाहिर किया था। आईसीयू में थे वो उस वक्त, उनको लेकर कई सितारों ने बात की थी। बता दें टीवी से लेकर हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, बहुत ही टेरिबल कंडीशन में थे वो, और इस पर लोगों ने दुख भी जताया था, लेकिन सिचुएशन बिगड़ती चली गई और वो हमेशा के लिए चले गए। गौर हो सीरियल ससुराल सिमर का में आशीष रॉय जब काम कर रहे थे उस वक्त उनके साथ लीड रोल प्ले कर रही थी इस शो में दीपिका कक्कड़, जिन्हें सिमर के नाम से घर घर में काफी पॉपुलैरिटी मिली। इस शो के बाद दीपिका कक्कड़ ने काम किया है सीरियल के बाद कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में भी, जी हाँ, और बिग बॉस में उन्हें विनर घोषित किया गया था। बिग बॉस सीजन 12 की विनर रह चुकी ससुराल सिमर का फेम दीपिका कक्कड़ इस शो में जब नजर आई थी तो इस शो में प्रेम का रोल पर प्ले करने वाले एक्टर से उन्हें प्यार हुआ था, जिसके बाद दोनों ने शादी भी रचाई और फिर इस शो में दूसरे एक्टर को लाया गया था। खैर, एक्टरों को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि आशीष अब हमारे बीच नहीं है। खैर, नेक्स्ट नाइन के पूरे परिवार की तरफ से ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आशीष की आत्मा को शांति मिले। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।